प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल, तुहाड़ा स्वागत है 12वीं जमात की पंजाबी लाजमी की अज की ऑनलाइन क्लास के। अज आप इस लैक्चर के गल करांगे व्याकरण भाग की। जिमें कि तुहानू पता ही है कि तुहाड़े पाठक्रम के वाक दीआं किस्मां ते वाक वटांदरा भाग व्याकरण के अधीन शामिल किया गया। वाक दीआं किस्मां ते वाक वटांदरे की जात सीखण तो पहलां तुहानू वाक हुंदा की है इस बारे जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस पहले भाग की वीडियो दे विच आपां अज सिर्फ वाक की हुंदा है ते किहड़े अंगां तों मिलके वाक बनता है इस बारे गल करांगे। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा लैक्चर देखण तों बाद जेकर तुहाडे मन दे विच कोई भी सवाल पैदा हुंदा है जां लैक्चर दे विचों कोई भी गल तुहानूं समझ नहीं आई, कोई दुविधा है तां तुसीं पुछ सकदे हो, कोई भी नीचे कमेंट करके तुसीं दस सकदे हो। प्यारे बच्चों, वाक चार अंगों तो मिलकर बनता है। आप वधे क्रम के वाक के इन अंगों बारे चर्चा करांगे। सब तो पहला है शब्द, वाकांश, उपवाक ते अखीर दे विच इन्हां सारिआं तो मिलकर बनता है वाक। आप इन्हां इकल्ले इकल्ले अंगों बारे विस्तार दे विच चर्चा करांगे। सब तो पहला गल करनी बनती है धुनी की, क्योंकि किसी भी भाषा के व्याकरण का जो आधार है वह धुनी है। छोटिया क्लासा के पढ़िया ही होगा कि धुनी होंगी की है। धुनी किसी भी भाषा की जां व्याकरण की सब तो छोटी इकाई है। जदों मनुख के उचारण अंगों तो कोई भी आवाज़ पैदा होंगी है जां जदों मनुख अपने उचारण अंगों तो कोई आवाज़ पैदा करता है तो उसनू धुनी कहा जाता है। हरेक धुनी की अपनी वक्री बनतर है तो वक्री ही पछाण है। इस तरीके दे नाल वक्री पछाण होण करके, वक्री बनतर होण करके व्याकरण दे विच हर धुनी का एक वक्रा धुनी चिन्ह हुंदा है। धुनी चिन्ह नूं जेकर साफ शब्दां दे विच कहा जावे तां वर्ण या अक्षर धुनी चिन्ह है। तो धुनी चिन्ह की उदाहरण देनी होवे तां पंजाबी वर्णमाला दे विचों तुसीं किसी भी धुनी चिन्ह या अक्षर की उदाहरण दे सकदे हो, जिवें आपां दित्ती है उड़ा आड़ा ईड़ी। तो गल करन लगे हां पुत्तर वाक बारे शुरू करन तो पहला तुहानूं समझा दईए कि वाक दी उदाहरण समझनी होवे तां जिवें वाक दो अक्षरां तों मिलके बणिआ उसे तरीके दे नाल ही अपना घर भी दो अक्षरां तों मिलके बणिआ होइआ है। घर शब्द बहुत छोटा है पर इहदे विच समाया बहुत कुछ हुंदा है। बहुत सारे कमरे समाए हुए ने, उहनां कमरिआं नूं बणाउण वास्ते बहुत सारा समग्री बहुत सारी समग्री लगी हुंदी है। इट्टां, बजरी, रेता, सीमेंट जां उहनूं भरन दे लई आपां नीहां भी पुटदे हां। उस तरीके दे नाल पुत्तर व्याकरण दे विच वाक है। वाक लई भी नीं है। नीं कौन है? धुनी, धुनी चिन्ह, अखर, रेता, बजरी, सीमेंट किहड़े किहड़े ने उह आपां इस वीडियो दे विच इस लैक्चर दे विच गल करांगे। तुहानूं कोई भी गल समझ नहीं आउंदी बेझिझक तुसीं कमेंट करके पुछ सकदे हो। तां गल करन लगे हां वाक दे पहले अंश बारे, शब्द बारे। शब्द की है? धुनिया दे मेल नाल शब्द बनते हैं, भाव धुनिया दे धुनी चिन्ह ने ते धुनी चिन्हां नूं मिला के वक्रे वक्रे शब्द बनते हैं। जेकर होर स्पष्ट आपां समझना होवे कि शब्द है कि तां अक्षरां दे उस इकट्ठ जां समूह नूं, भाव कई अक्षर जदों मिलते हैं तां जिन्हां दे राहीं आपां नूं किसे मनुख दा अर्थ पता लगता है, किसे वस्तु जां भाव इन्हां सारिआं दा अर्थ पता लगता होवे तां उस नूं शब्द कहा जाता है। जिवें कि उदाहरण दित्ती हुई है, तीन अक्षर तीन धुनी चिन्ह अपने सामने ने, कक्का, लल्ला, मम्मा। तुसीं होर भी किसे भी अक्षरां दी उदाहरण लै सकदे हो। तां कक्का, लल्ला, मम्मा तों बनिया है कलम। तां कलम तों सुणन तों बाद आपां नूं अर्थ पता लगता है कि कलम किसे वस्तु दा नाम है जिहड़ी कि लिखण दे लई इस्तेमाल हुंदी है। प्यारे विद्यार्थियों, गल करदे आं वाक दे दूजे अंश, दूजे हिस्से वाकांश दी। वाकांश की है? जिवें कि शब्द बनतर तो ही आपां नूं पता लग रहा है कि दो शब्दां तो मिलके बणिआ वाक ते अंश। भाव अंश तो भाव है हिस्सा। वाक दे हिस्से नूं वाकांश कहा जाता है ते इहनूं वाक दी कारजी इकाई भी कहा जाता है। कारजी इकाई तो भाव है जिस वाक दे अंश तो वाक दे विच कुछ हलचल होण दा पता लगे वह वाकांश होएगा।
वाकांश का जिहड़ा स्थान है वाक दे विच ओह शब्द तो उपर है ते उपवाक तो थले है, भाव वाकांश शब्द तो वड्डा है ते उपवाक तो छोटा है। जो वाकांश है वह एक शब्द का भी हो सकता है ते शब्दों का समूह के रूप दे विच भी विचर सकता है। जेकर तुहानू फर्क पता करना होवे शब्द ते वाकांश दे विच तां किवें पता करांगे, शब्द एक अर्थगत श्रेणी है, भाव शब्द तो तुहानू किसी वस्तु मनुख जां किसी होर भाव के अर्थ प्रगट होणगे, परंतु वाकांश की है कारजी इकाई है, कुछ कार्ज होण दा पता लगता है, हलचल होण दा पता लगता है। जो आधुनिक विज्ञान की धारणा है वह की कहती है, जदों आपां किसी नाल गलबात कर रहे हाँ तां साडे मूँह दे विचों जिहड़े शब्द उच्चरदे ने गल करदे समय वह वाकांश का रूप धारण कर लैंदे ने। वाक पद्धर दे उपर विचरदा हर नाम प्रणाम ते किरिया ये शब्द सारे वाकांश की भूमिका निभाउंदे हन। उदाहरण के नाल आपां स्पष्ट करन की कोशिश करते हैं, जिवें बच्चा खेड रहा है ये एक पूरा वाक है, किसी नूं बोलिया गया है कि बच्चा खेड रहा है। बच्चा एक शब्द है जो कि नाम शब्द है, नाम प्रणाम विशेषण क्रिया विशेषण तुसीं छोटियां जमातां दे विच पढ़ चुके हो, बच्चा की है एक नाम शब्द है, पर नाम वाकांश दे तौर ते विचर रहा है इस समय वाक दे विच। दूसरा हिस्सा है खेड रहा है, क्रिया वाकांश खेडना तो भाव है कि कुछ क्रिया हो रही है, तो नाम वाकांश भी इस वाक दे विच आया होया ते क्रिया वाकांश भी इस वाक दे विच आया होया है। तो याद रखने जो गल केड़ी है कि भावें पंजाबी दे विच अठ शब्द श्रेणियां ने, तुसीं छोटियां जमातां विच पढ़ चुके हो, नाम प्रणाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण संबंधक योजक ते विस्मिक, परंतु इन्हां अठ श्रेणियों दे विचों सिर्फ चार श्रेणियां ने ही वाक दे विच वाकांश दे रूप दे विच आउंदियां ने। केड़ियां केड़ियां? नाम विशेषण क्रिया ते क्रिया विशेषण। वाक दा तीसरा अंश है उपवाक। उपवाक की है? उपवाक एक अधीन व्याकरणक इकाई है, भाव वाक दे विच जो शब्दों का समूह दूसरे वाक दे अंशां दे अधीन होके विचरे उसनूं उपवाक कहा जाता है। उपवाक शब्द तो ही जिवें आपां नूं पता लग रहा है कि यह छोटा हुंदा है, उप तो भाव की है छोटा लघु, जिवें कि तुसीं सुने ही होएगा उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री वड्डा ते उप मुख्यमंत्री छोटा, भाव वाक तो छोटा उपवाक। ये वाक की अजिही भाषाई इकाई है जो किसी वाक का अंग हुंदी होई भी अपने आप विच सुतंत्र वाक नहीं हुंदी, भाव वा उपवाक एक छोटा वाक है परंतु यह सुतंत्र नहीं है, अपने आप दे विच एक सुतंत्र अर्थ पैदा नहीं करता, इस नूं दूसरे अंश या दूसरे उपवाकों की सहायता दे नाल संपूर्ण होने की लोड़ पैंदी है। जिवें कि कहिंदे अपने वर्गे होर उपवाक नाल किसी योजक दे सहारे जुड़ी हुंदी है। जेकर आपां उदाहरण की गल करिए, जिवें दो उपवाक ने, पूरा वाक है जिहड़े विद्यार्थी मेहनत करदे हन उन्हां नूं सफलता प्राप्त हुंदी है, इस वाक दे विच दो उपवाक आए ने जिहड़े विद्यार्थी मेहनत करदे हन, दूसरा उपवाक है उन्हां नूं सफलता प्राप्त हुंदी है। दोनों ही उपवाक की ने एक दूजे दे अधीन ने, दोनों नूं बोले बिना दोनों का अर्थ स्पष्ट नहीं हुंदा। जेकर तुसीं पहला उपवाक इकला बोलोगे जिहड़े विद्यार्थी सफल हुंदे हन तो तुहाडे दिमाग दे विच प्रश्न आवेगा कि इस तो अगे भी कोई उपवाक बोलिया जाना है, तो जेकर तुसीं पिछले उपवाक नूं बोलदे हो ओह सफलता प्राप्त करदे हन तां वी तुहाडे मन दे विच प्रश्न उठेगा कि कौन सफलता प्राप्त करदे हन। इसे करके उपवाक की है? एक अधीन दूसरे दे अधीन इकाई है जो कि संपूर्ण बोले बिना के समझ नहीं आ सकती। बनतर दे आधार ते उपवाक नूं वी दो भागां दे विच वंडिया गया है, पहला है सुतंत्र उपवाक जां स्वाधीन, भाव जिहड़ा सुतंत्र होवे अपने आप दे विच आजाद होवे, कुछ हालत दे विच उपवाक बोलन दे नाल आपां नूं सधारण वाक दे वांग अर्थ स्पष्ट करदा होवे। अधीन उपवाक जां प्राधीन उपवाक, प्राधीन उपवाक ओह है कि जिस नूं बोलन तो बाद दूसरा उपवाक बोले बिना स्पष्ट ना हुंदा होवे।
ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਸਵਾਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਅਧੀਨ ਉਪਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸੀ ਧੁਨੀ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਵਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਜੜਤ ਨਾਲ ਵਾਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਸ਼ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵਾਕ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਂਵਕ ਅੰਸ਼, ਕਿਰਿਆਵਕ ਅੰਸ਼, ਉਪਵਾਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕਾਂਸ਼, ਉਪਵਾਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਵਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਕ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਪਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਵਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਵ ਇਕੱਲੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਵਾਕ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।